let's learn lesson 40. You are, we are, they are. Okay, so आज के लेसन में आप प्रोनाउंस के बारे में लर्न करोगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे नाउन होता है, नाउन नेम्स को बोलते हैं नाउन. बट दे आर, यू आर, वी आर, शी इज, ही इज, इट इज, इनको प्रोनाउंस बोलते हैं. सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस के बारे में एंड करियर पाथ के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो प्लीज मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपकी लर्निंग और ज्यादा इंक्रीज हो सके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट ए में फिल इन द ब्लैंक्स है. बट उससे पहले मैं जो आप एक्टिविटीज और जो भी आपके साथ न्यू अपडेट्स हैं, वो ये भी एक न्यू अपडेट है. पहले की बुक में ये अवेलेबल नहीं था बट ये अब है. सो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट आपकी वोकैबुलरी रहेगी एक्सप्लोर करना. एक्सप्लोर करोगे आप आज के लेसन में. ओके, लेसन है जैसे ही दे, इसमें भी एक्सप्लोर करोगे. देन एक करियर के बारे में एक्सप्लोर करोगे. ओके, देन जो वीडियो ऑडियो दिखाई देगी उसको एक्सप्लोर करोगे. जो भी एक्टिविटीज होगी उसको एक्सप्लोर करोगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वोकैबुलरी आपकी एक्सप्लोर, ये आपकी वोकैबुलरी है. ओके, प्रिपरेशन आपको क्या क्या करना है. ओके, क्रिएट साइन दैट से आई एम. ओके, आई एम, आर एंड इज, इनका यूज करना है प्रोनाउन के साथ. जैसे यू आर, वी आर, दे आर, ही. ओके, तो इनका करेक्ट यूज करना है. देन क्रिएट 6 पोस्टर विद करियर डिस्क्रिप्शन. ओके, आपको 6 पोस्टर क्रिएट करने हैं ग्रुप और फ्रेंड के साथ एंड इंडिविजुअल भी. मींस सिंगल स्टूडेंट भी पोस्टर क्रिएट करेगा या कार्ड क्रिएट करेगा अकॉर्डिंग टू योर फैसिलिटेटर. ऑलराइट, ओके, सो ये इस चीज का आप ध्यान रख लीजिए. करियर लिस्ट. ओके, मुझे जो ना पीडीएफ फाइल क्रिएट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो प्लीज आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा और मैं कोशिश करूंगी करियर के रिगार्डिंगली अदर वीडियोस शेयर कर दूंगी, क्योंकि पीडीएफ फाइल में से क्रिएट नहीं हो रही. कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे गूगल ड्राइव में. ओके, जैसे वो फिक्स हो जाएगा देन मैं फिर से उसको फिक्स करके आपके लिए क्रिएट करना शुरू कर दूंगी. देन ये तो हो गया करियर पाथ का. ओके, पोस्टर आपको क्रिएट करने हैं मार्क विद मार्कर के साथ. ओके, देन आपका लेसन ही है यू, वी, दे आर. ओके, देन आपको इनकी मीनिंग आइडेंटिफाई करनी होगी. आई क्या है, यू क्या है, ही क्या है, शी क्या है, इट क्या है, वी कैसे. मैं एक्सप्लेन कर दूं, आई मीन्स आई यानी मैं, यू मीन्स यानी आप, ही मीन्स यानी वो मेल्स के लिए, शी मीन्स फीमेल के लिए यूज होता है, इट किसी भी बेजान चीजों के लिए इट का यूज होता है, और एनिमल्स के लिए एंड किसी भी बेजान चीजों के लिए इट का यूज होता है. शी, ही, इट के साथ इज लगता है. ओके, आई, यू, दे, वी के साथ आर लगता है. ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, मैंने इससे रिगार्डिंग भी आपको पहले प्रीवियस लेसन में शेयर भी किया है सेंटेंसेस का, उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा. जैसे फिक्स हो जाएगा पीडीएफ फाइल में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी. देन नेक्स्ट आपका है आपकी लर्निंग. लर्निंग जो है आपका डुलिंगो ऐप को लॉगिन करके उस पर लर्निंग आप करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे. और ओके, देन क्या आपकी प्रोग्रेस रही है वो आप शेयर करेंगे इन एफ ए में. ऑलराइट, देन ओके, ये तो डिस्कस हो गया. मैंने जो बताया आप यहाँ पे आ जाते हैं अपने एक्टिविटी पे लेसन एंड यू. यहाँ पे आएगा आपका आई, 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 जहां मैं टिक कर रही हूं आई, आई, आई. ओके, यू, 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 ही, 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 शी, 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 शी. फ्लावर के लिए तो यहाँ पे इट, इट इज वेरी ब्लोसम फ्लावर, आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो इट. ओके, यहाँ पे देखिए दे भी आ सकता, दे, 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 ओके, दे, दे,
एंड यू भी आ सकता है। ये आप फैसिलिटेटर से थोड़ा गाइड कर लीजिएगा, मैंने अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा आपको बताया। देन वी 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 ओके, आई होप मैंने आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दी होगी। सो ये करेक्ट है, मैंने अपने अकॉर्डिंगली कहा है। देन फैसिलिटेटर तो आपको गाइड करेंगे। ऑलराइट, सो आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स ओके, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी प्रोनाउंस की, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, सो आप कैसे यूज कर सकते हो, मैं आपको कुछ हिंट दे देती हूँ। जैसे इट का यूज करोगे, इट इज इट इज इट इज अ गुड पेंसिल, पेंसिल के लिए यूज कर सकते हो। आई एम अ गुड गर्ल, ओके। यू के लिए आपको, यू आर द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, दे आर द बेस्ट, शी इज द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, ओके। सो इस जैसे मैंने आपको बोल के बताया, आप भी ऐसे ही आंसर दे सकते हो। आपको एज अ फैसिलिटेटर ग्रुप में जैसे क्लास को लर्न कराते हैं, वैसे ही आपको उठा के पूछ सकते हैं। तो प्लीज पहले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। सो मैंने कुछ आपको लर्न करा दिया। देन नेक्स्ट है आपका, जो आपको कार्ड एंड पोस्टर मेक करना है, तो कार्ड आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पीस ऑफ पेपर लेना और मार्कर पेन से आपको एक छोटा कार्ड बनाना है। एक सेकेंड, जैसे ऐसे आपको कार्ड, कार्ड का शेप ऐसे होता है। देन आपको यहाँ पे राइट डाउन करना होगा, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा राइट डाउन करना होगा। उस पर आप क्या राइट डाउन कर सकते हो, यू आर अ गुड डांसर, यू आर अ टॉल बॉय, यू आर अ हेल्पफुल पर्सन। तो ये आपको कार्ड में, जो आप सिंगल स्टूडेंट राइट कार्ड मेकिंग करोगे, ओके। देन ग्रुप में आपको डिवाइड किया जाएगा। देन आपको ग्रुप में एक पोस्टर क्रिएट करना होगा। पोस्टर का शेप ऐसा होता है, पोस्टर, ठीक है। आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप राइट डाउन करके, वी आर नेचर लवर, वी आर नेचर लवर, वी आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, वी आर स्टडिंग टू गेट अ जॉब, ओके। सो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको राइट डाउन कर सकती हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, क्लियर? आपको कार्ड मेक करना है सिंगल स्टूडेंट एंड ग्रुप को डिवाइड करके, आपको पोस्टर मेकिंग करना है पेपर विद मार्कर, ओके। देन प्रेजेंटेशन डिस्कशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन आपको इंडिविजुअल एंड ग्रुप में भी करना होगा। तो उसकी प्रैक्टिस कर लेगा सिंगल में भी और ग्रुप वाइज भी। ऑलराइट, सो चलिए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। देन इसमें आपको एक एक्टिविटी गेम भी लर्न कराया जा सकता है, ओके। सो आपका एक्टिविटी गेम में आप के लिए कोप हायर किया जाएगा, आपके ही अराउंडिंग में से एक पर्सन होगा, ओके। देन आपको एक्टिविटी जो भी सिखाई जाएगी, कराई जाएगी, देन कोई भी थिंग यानी आपको उसमें बोलनी होगी, आइसक्रीम, कोल्ड, विंटर, कोई भी चीज़ हो। जैसे इसमें देखिए आपको पिक दी गई है, ओके। सो पिक्चर में, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या दिख रहा है वो डिस्कस करना है अपने पार्टनर के साथ, ओके। देखो बीच पर है, सो दे आर ऑन द बीच, देन दे आर प्लेइंग विद ईच अदर, एंड सम आर डूइंग अ स्लाइड, सम आर ईटिंग अ आइसक्रीम, सम आर बिल्डिंग अ कैसल, एंड सम आर स्प्लैशिंग इन द सी। सो आप अपने अकॉर्डिंगली इस तरीके से बोल सकते हो, जो भी थिंग्स हैं आपको थिंग कोई भी बोल के जो एक्टिविटी होगी वो कराई जाएगी, बाकी तो आपको फैसिलिटेटर गाइड करेंगे। ऑलराइट, देन नेक्स्ट आपका आ जाता है करियर से रिलेटेड। सो करियर से रिलेटेड है आपका कुछ, पहले तो आप करियर लिस्ट अपनी बना लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली, देन उसके अकॉर्डिंगली आपको पूछा जाएगा, ओके। कोई भी एक भी करियर पाथ आपसे ले लिया जाएगा, देन आपका इंटरेस्ट है उसमें, कितना इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन किए जाएंगे। जैसे एज अ फूड से रिलेटेड हो सकता है, जैसे गाइड विद क्वेश्चन ओनली इफ नीडेड, ओके। सो क्वेश्चन आपको, हाउ डिड द फूड ग्रो, ऐसे ही आपसे करियर कोई भी पूछ सकते हैं, उसमें उस करियर में क्या क्या चीज़ें आपसे क्वेश्चन करी जा सकती हैं, एक करियर चूज करके उसमें से क्वेश्चन करा जाएगा, देन उसका आपको आंसर देना होगा। तो प्लीज अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ओके। देन ओके, छोटे छोटे हिंट मैं दे देती हूँ।
रिलेटेड टू फूड. ओके, हाउ डिड द फूड ग्रो, डिड इट कम इन अ पैकेज, वॉट सॉरी वेयर इज वेयर डिड यू परचेज इट. ओके, तो फूड के रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है, एनी अदर प्रोफेशन आपसे पूछा जा सकता है. तो प्लीज अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लीजिएगा. ओके, मैंने आपको पहले ये हिंट दे दिए. ओके, देन आपको डिस्कस करना होगा विद योर क्लासमेट्स अबाउट द करियर, क्या आपके लिए सूटेबल है, कैसे आपको करना है. ठीक है, एंड इसमें भी लिखा देखिए, लुक फॉर करियर्स यू हैव नेवर हर्ड ऑफ और नेवर कंसीडर फॉर योर सेल्फ. ओके, सो आपको वो करियर देखने हैं जो आपने कभी देखे सुने नहीं, कभी उनके बारे में ना जाना. ठीक है, हमें जानना चाहिए क्योंकि हमें हमको नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं, और अच्छा हमारे लिए ऑप्शन आ सकते हैं. ठीक है, एंड राइट डाउन एट लिस्ट. ओके, आपको करियर पार्ट राइट डाउन करने होंगे जो आपको पसंद है. ओके, जो भी आपको पसंद है वो अपने अकॉर्डिंगली आपको राइट डाउन करने होंगे इसमें. देन आपको डिस्कस करना होगा करियर पाथ का. ओके, सो हेल्पिंग पीपल यूजिंग टेक्नोलॉजी, वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, बीइंग क्रिएटिव, वर्किंग विद अ टीम ऑफ पीपल. ओके, सो ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप डिस्कस कर रहे हो. ठीक है, स्पेंडिंग टाइम आउटडोर, तो जब भी आप डिस्कशन कर रहे हो कैसे आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो, कैसे क्रिएटिव थिंकिंग एंड वर्क को एक साथ टीम के साथ कर सकते हो, ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा. ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, देन वन सेकेंड. ओके, आपसे क्वेश्चन भी करा जा सकता है, व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू कंसीडर डिफरेंट करियर, क्यों हमें दूसरे करियर के बारे में सोचना चाहिए. ओके, सो ये हो सकता है, हाउ कैन यू लर्न मोर अबाउट दीज करियर, आप इस करियर से कैसे और सीख सकते हो. ठीक है, सो हम कुछ ना कुछ डे टू डे लाइफ में सीखते हैं, हम FA जा रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा, कुछ नया सीखते हैं, हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, बट नो, हम जितना सीखते हैं हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है. ओके, सो लर्निंग हमेशा अच्छा होता है, उसमें कुछ डिसएडवांटेज नहीं होता है, बेनिफिट ही होता है. ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ओके, सो आपकी लर्निंग आज की इतनी है, देन जो मुझे इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी मैंने आप तक शेयर करी, आई होप आपको ये यूजफुल लगेगी. अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है तो प्लीज़ लोग यानी अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलिएगा, उससे रिलेटेड इस लेसन के रिगार्डिंग आपके लिए मैं वीडियो शेयर करूंगी. PDF फाइल नहीं अभी अवेलेबल है, तो अदर वीडियो जो YouTube पे है करियर से रिगार्डिंग वो आपके साथ शेयर करूंगी, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा.